योगी और अन्य लोग अलग अलग तरह के दिव्य दर्शियों ने रहने के लिए हमेशा पहाड़ों को चुना क्योंकि वो अपने चारों ओर ठोस पदार्थ चाहते हैं। जब वो कुछ खास साधना करते हैं, अपने अंदर कुछ खास ऊर्जा पैदा करते हैं, तो वो धरती के खोल में रहना चाहते हैं। मैदानों में आप उस तरह का खोल तभी बना सकते हैं अगर आप एक गड्ढा खोदकर उसमें चले जाएं। मगर इससे कई समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए वो कुदरती तौर पर पहाड़ों की शरण लेते हैं जहां गुफाएं और खोल जैसी महसूस होने वाली दूसरी जगहें होती हैं, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को एक खास तरह से संरक्षित करना चाहते हैं। उनमें से कई उस छोटी सी गुफा में अपनी खुद की एक पूरी दुनिया बना लेते हैं। आपके लिए वो सिर्फ एक छोटी सी गुफा है, मगर उनके लिए वो उनकी अपनी सृष्टि है, क्योंकि समय और स्थान चेतन मन की उपज होते हैं। आपके लिए ये सिर्फ एक गुफा है, उनके लिए वो एक पूरी दुनिया है, इसलिए उन्होंने हमेशा पहाड़ों को चुना। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आध्यात्मिक लोग हमेशा पहाड़ों पर होते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अपने आसपास एक खोल जैसा वातावरण चाहते हैं। तो हिमालय अपने आकार और विशालता के कारण बहुत ही शानदार है। अगर भारत में रहते हुए आपने हिमालय नहीं देखा तो आप वास्तव में एक बड़ी चीज से चूक रहे हैं। बहुत बूढ़े और किसी काम के न रह जाने से पहले आपको एक बार हिमालय जरूर जाना चाहिए। आपको उसे जरूर देखना चाहिए। आपको किसी विश्वास या आस्था के साथ जाने की जरूरत नहीं है, बस उसका आकार ही आपको एक चींटी की तरह महसूस करा देगा। शहर में आप एक बहुत बड़े आदमी हैं, वहां जाकर खड़े होने पर आप एक छोटे से रेंगने वाले जीव की तरह महसूस करेंगे। आप एक बड़े आदमी नहीं रह जाते, वो इतना विशाल है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। उसे देखकर अनुभव करना चाहिए। तो लोग वहां जाते रहे और समय के साथ हिमालय अलग अलग तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का गढ़ बन गया। किसी दूसरी संस्कृति में उतनी विविधता नहीं है जो यहां की धरती ने देखी है।